राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ए गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद तत्रार्वत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोव्रते स्त्री रत्नेरन विथा प्रीतिरन्यो बदुबाहुभि। यहां बंधुओ जब हजारों लाखों गोपियां एक एक गोपी के साथ में हजारों गोपियां बांसुरी बजी और कन्हैया के महारास में पहुंचने के लिए जा रही हैं और जब जा रही हैं ऐसे लग रहा है अंकित चुरारिया ये लड़का सम्मान कर रहा है। अंकित चुरारिया डायरेक्टर फिजिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ललितपुर, ये लड़का फिजिक्स कोचिंग पढ़ाता है ललितपुर में। कहा लक्ष्मीपुरा ललित, भगवान आपकी कृपा मनोकामना पूर्ण करे इस लड़के की। आइए, जब हजारों लाखों गोपियां चली जा रही हैं, जहां मेरा कन्हैया की बांसुरी बज रही है वहीं जा रहे हैं। कन्हैया एक तरफ खड़े हैं यमुना के किनारे, कन्हैया ने कहा गोपियों कहां जा रही हो, इस अर्धरात्रि में यहां क्यों आई। गोपियां कह लगी जहां मेरे कन्हैया की बांसुरी बज रही है। बोले मैं तो यहां हूं। बोले क्या बताएं कन्हैया, आज तो हमारे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली। कन्हैया ने कहा गोपियों तुम इस अर्धरात्रि में क्यों आई, ये क्या तुम्हारा उचित है आना, अपने पतियों को छोड़कर आई हो, पुत्रों को छोड़कर आई हो, जाओ अपने घर जाओ, क्या तुम्हारा ये कर्तव्य है। तुम्हें पता है कि जिसका ये लोक सुधर जाता है उसका परलोक अपने आप सुधर जाता है, और यह धरती पृथ्वी जो सतीत्व की रक्षा करने वाली नारियां हैं उन्हीं के बल पर तो पृथ्वी ठहरी हुई है। जो अपना सत्य की रक्षा करने के लिए जिन नारियों ने अपने पतिव्रत की रक्षा की है उन नारियों को तो हम अपना भी सिर झुकाते हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, लौट कर जाओ। तुम गोपियां हो, नारियों के लिए एक ही धर्म है, अलग से कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत ने मा, एक ही धर्म एक व्रत ने मा, एक ही धर्म एक व्रत ने मा। ना नारियों की अलग से कोई धर्म है ना कोई विधि विधान है, अगर कुछ है तो क्या, एक ही धर्म एक व्रत ने मा, एक ही धर्म एक व्रत ने
एक प्रतन मा एक ही धर्म एक प्रतन मा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा हे बालाओ, यहां अर्धरात्रि में आकर क्या कर रहे हो? लौट कर अपने घर जाओ, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करो, अपने पतियों की पुत्रों की सेवा करो। ये तुम्हारा कोई धर्म है जो यहां आई हो? तुम्हें पता है एक नारी सतीत्व के बल पर, एक सती नारी थी और आंगन में अपने पति को भोजन करा रही थी। उसका छोटा सा बच्चा था 6-7 महीने का। उसका बच्चा घुटनों के बल चलते चलते वहां पहुंच गया जहां चूल्हा जल रहा था। उस चूल्हे में लकड़ी जल रही थी। उस पत्नी ने अपने पति को पंखा हिलाना बंद नहीं किया। वो लड़का घिसट घिसट के चूल्हे के पास पहुंच गया और चूल्हे की जलती हुई लकड़ी को पकड़ लिया। लेकिन उस नारी के सतीत्व के बल पर वो जलती हुई ज्वाला चंदन के समान शीतल हो गई थी। उस बच्चे का कुछ बिगड़ा नहीं था। यह देश, यह पृथ्वी, जो सती नारियां हैं, जैसे अभी मंत्री जी सुना रहे थे कि सती अनसुईया, अनसुईया ने 6-6 महीने के बना दिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश। सतबल बड़ा होता है, तपबल संभुकीन संघारा और तपबल शेष धरे मही। तपस्या का सत्संग का फल बड़ा होता है। सत्संग का तुम लौट कर जाओ। उन नारियों को तो हम अपना स्वयं सिर झुकाते हैं। यह क्या करने आई सखियां? बोली बोली कन्हैया, हमें एक बात बता दो कि एक घर में पति पत्नी दोनों रहती थी और पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम मिट्टी की मूर्ति बना लो हमारी और हम 6 महीने को जा रहे हैं और तुम उसकी सेवा करना, पूजा करना, उसको भोग लगाना और भोग लगाने के पश्चात तुम भोजन कर लिया करो, हमारा क्या ठिकाना है 6 महीने नहीं आ रहे हैं। तो उस नारी ने मिट्टी की मूर्ति बना ली पति, और यही करती रही। अब कन्हैया एक बात बताओ कि जिस दिन वो मिट्टी के पति की मूर्ति की सेवा करने बैठी, अगरबत्ती लगाई, भोग लगाने वाली थी, उसी समय उसका वासुपति आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, बोले दरवाजा खोलो। अब कन्हैया एक बात बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उसकी पूजा करना चाहिए, दरवाजा खोलने जाना चाहिए? कन्हैया ने कहा यह भी कोई बात है पूछने की। जब उसका वास्तविक पति आ गया तो वो मिट्टी के पति की पूजा क्यों करेगी? गोपियां कहने लगी, कन्हैया आज तो तुमने अपना मुंह से निर्णय कर दिया। जब हमें पता है कि संसार के पति सब मिट्टी के पति हैं, कब लाल साड़ी पहना दे, कब सफेद पहना दे, वो ठिकाना है संसार के पतियों का। ऐसे बर को क्या बने जो जन्मे और मर जाए, और पर लो गोपाल को तो जन्म सफल हो जाए, पर लो गोपाल को तो जन्म सफल हो जाए। इस बात को समझती थी मीराबाई, जो जयपुर के राजघराने के राणा की बहू थी, जोधपुर के राणा सांगा की बहू थी। लेकिन उसने सब घर बार महल द्वार सब त्याग दिया था और एक ही बात सोच रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई अमृत फल हुई, दध की मथानी बने प्रेम से बिलोई, और माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही।
ऐसी मीरा है। मीरा बाई ने मीराबाई ने अपना घर बार त्याग करके पति अति सबको छोड़ दिया था। और मीराबाई तो संतों के साथ बैठती थी, उनके ससुर को बड़ी लज्जा होती थी, शर्म होती थी कि हमारी बहू संतों के साधुओं के साथ बैठ बैठ कर क्या कर रही, मेरी बेइज्जती कर रही। तो मीराबाई को कई बार तो जहर भेजा गया पिलाने के लिए, एक बार तो नांग से कटवाने को नांग भेजा गया। लेकिन मीरा जहर का प्याला पी गई कन्हैया के नाम पर, मीरा का कुछ नहीं हुआ। मीरा तो साधु संतों के साथ कहीं जगन्नाथ जी, कहीं पुष्कर, कहीं वृंदावन, कहीं हरिद्वार घूमती फिरती। एक बार कुछ संत बैठे थे और संतों के बीच में मीराबाई बैठी। संतों ने कहा, मीराबाई तुम एक बात बताओ, तुम तो हर स्थान पर गई हो, पुष्कर में गई हो, प्रयाग में गई हो, हर जगह तुम गई हो, तुम एक बात बताओ तुम्हें सबसे अच्छा कहां लगा। उस समय मीराबाई ने एक सुंदर पंक्ति भजन की कही थी, सुने आप। कहा था मीराबाई ने कि लगत वृंदावन नी को आली मोहे, लगत वृंदावन लगत वृंदावन नी को आली मोहे, लगत वृंदावन नी को। वृंदावन क्यों अच्छा लगता है, इसलिए के घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को आली मोहे, लगत वृंदावन लगत वृंदावन नी को आली मोहे, लगत वृंदावन नी को, लगत वृंदावन नी को आली मोहे, लगत वृंदावन नी को। जय हो। सिंहासन ठाकुर जू विराजे, रतन सिंहासन ठाकुर जी विराजे, रतन सिंहासन ठाकुर जू विराजे, रतन सिंहासन ठाकुर जी विराजे, और मुकुट धरो तुलसी को आली मोहे, लगत वृंदावन नी को, लगत वृंदावन नी को आली मोहे, लगत वृंदावन नी को। जय हो बाके बिहारी लाल की, जय हो। वृंदावन में एक ही काम होता है, आठ पहर धुन नाम कीर्तन, आठ पहर धुन नाम कीर्तन। क्योंकि वृंदावन में एक ही कीर्तन होता है, किसका?
राधा राधा जूको आलो लगत वृंदावन जगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी को गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु जय हो गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर भी कोई होए लगत वृंदावन लगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी लगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी को लगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी को लगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी को लगत वृंदावन नी को आली मोहे लगत वृंदावन नी को से बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज कन्हैया यमुना के किनारे खड़े हैं, गोपियों से कह रहे हैं वापस जाओ, यहां क्यों आई हो? उस समय गोपियों को कुछ अभिमान सा हुआ, किसी गोपी ने समझा कि हमारे वस्त्र कितने सुंदर हैं, किसी ने सोचा हमारे आभूषण कितने सुंदर हैं, किसी ने सोचा मैं कितनी सुंदर हूं। इस तरह से जैसे ही अभिमान गोपियों को हुआ और कन्हैया उनकी आंखों से ओझल हुआ, बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। क्योंकि भगवान का नाम है गर्वाहारी, जहां गर्व होता है ना तो उस गर्व का हरण भी करते। गोपियों को कुछ घमंड सा हुआ, कन्हैया उनकी आंखों से ओझल हो गई। अब गोपियों की यह दशा हो गई कि कन्हैया को ढूंढते ढूंढते इस तरह से ढूंढ रही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी ओ तुम देखी सीता प्रेमनेनी। जिस तरह राघव सरकार सीता जी को ढूंढ रहे थे उसी तरह आज गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं, घाटों घाटों पर पत्तों पत्तों से पूछ रही हैं, तुम ही बता दो कहां है कन्हैया, हे चंद्रमा की चांदनी तुम बता दो, तुमने देखा होगा धूल उड़ती है तो उसी से कहती है तुम बता दो,
आज ऐसे जैसे धन को खोकर धन कुबेर की स्थिति हो जाती है, उस तरह से ढूंढ रही, लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे। कुछ गोपियां कहने की अपन एक काम करो, उनकी लीला करो, उल्टी सीधी लीला करो, फिर तो बताने तो आएंगे कि हमने ऐसा थोड़ी किया। कोई गोपी पूतना बन गई, कोई गोपी नाग बन गई, गोवर्धन की लीला करती हैं, है? लेकिन जब थक गई, ढूंढते ढूंढते थक गई, एक जगह बैठ गई। हे दामोदर, हे कन्हैया, अगर सच्ची लगन हमारी भक्ति में होगी तो हम तो तुम्हारे पास नहीं आ सकते, हमारे पैरों में चलने की सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे पास आ जाएं। लेकिन अगर हमारी लगन, हमारी भक्ति अगर सच्ची होगी तो तुम कहीं भी होगे यहां खेचे चले आओ। जय हो। और उस समय गोपियों ने एक जगह बैठकर इतना सुंदर गीत गाया जिसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयति इन्द्रिया शाश्वत हि जयति तेधिकम तालियां बजाते हुए जय हो। पीस जला पिया प्याल राक्षसा देश तो भया कैशव ते भयो रक्षिता हो
पिखा नंदनो पवा अखिल शो कै शेवा कुले चयति ते दिका चल यह गोपी गीत हुआ। और जब गोपियां गिरने को हुई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने एक न सहारा देकर सबको साथ लिया। आंखें खोलकर गोपियों ने देखा तो बीच में प्यारा कन्हैया बैठा है। उसी समय कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। कामदेव चरणों में गिर पड़े, हे कन्हैया मुझे जो एक क्षण का भ्रम हुआ है, मैं तो समझता था कि आप गोपियों के पीछे घूमते, लेकिन आज समझ में आया कि ये गोपियां आपको ढूंढती हैं। मुझे जो एक क्षण का भ्रम हुआ आपके प्रति, उस भ्रम की मैं क्षमा चाहता हूं। और इस तरह से उस गोपी स्वरूप में वहां तो भगवान भोलेनाथ शिव जी भी आए थे, इसीलिए तो शिव जी का एक नाम पड़ गया जिनका नाम है गोपेश्वर महादेव। वो भी गोपी बनकर महा कन्हैया के महाराज में आए हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है, यहां भगवान कृष्ण का इस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, सारा ब्रज कहता है कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरा है, लेकिन यहां ब्रज में जो अंतरिक्ष में आवाज गूंज रही है, मथुरा के उस कारागृह में माता पिता की टेर है, बेटा आठवां बेटा हमारी कबर खबर खबर कब लोग, इस तरह से सब सूक्ष्म तंत्र जब घूम रहा है। वहां कंस ने एक बैठक बुलाई, बैठक में बड़े बड़े मल्ल सूरवीर पहलवान इकट्ठे हुए, जिनमें मुष्टिक चाणूर बोले तो हमें लगता है कि तुम केवल खाने पीने के भक्त हो, उस ग्वाल वाले पर विजय प्राप्त करो अन्यथा भाग जाओ यहां से। और जब इस तरह से दरबार में कंस उछल रहा था, वो ग्वाल वाले राजद्रोही हैं, उन ग्वाल वालों को खंडकों पर मार मार के टुकड़े कर दो, दीवारों में उनके बच्चों को चिनवा दो। उसी समय जब यह गाना गाया जा रहा था, इतने में नारद जी वहां से आए। नारद जी ने कहा अरे कंस किसके ऊपर आज्ञा दे रहे हो, हुक्म दे रहे हो, उन ग्वाल वालों पर? बोले हाँ। बोले यार इस तरह से तो सारा गदर मच जाएगा, हमारा मन तो यह कहता है कि तुम यही धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें मल्ल पहलवानों की कुश्ती रखो और उसी में उनको बुलाओ और अपनी आंखों के सामने उन मल्ल पहलवानों को भिड़ाओ, तब तो ठीक है। और जब ऐसा हुआ, वहां आयोजन हुआ और उस आयोजन में कन्हैया बल्लाव नंद बाबा इत्यादि सबको बुलाया गया और सब जब इधर उधर घूम रहे हैं, आकर के कुब्जा ने चंदन लगाया कन्हैया को, तो कन्हैया ने कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी, लेकिन उस कुब्जा को भी कन्हैया ने सुंदरी कह दिया। वह तीन जगह से तो टेढ़ी थी, लेकिन सुंदरी इसलिए कह दिया कि कन्हैया बाहर की सुंदरता थोड़ी देखता, हमारा कन्हैया तो भीतर की सुंदरता देखता है। जय हो। बाहर से वो कुरूप थी लेकिन भीतर से सुंदर थी, तो कन्हैया ने उसको सुंदरी कह दिया। और जिसे कहो ने सुंदरी कहूं कहीं नहीं हुए, जिन्हें नाव नहीं सुनो हुए, तो वह कैसे लगे। आज जब कन्हैया ने जाकर धनुष का खंडन किया,
क्योंकि वो धनुष शिव जी का दिया हुआ था। शिव जी ने कहा था कंस इस धनुष को कोई नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, वो जो तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। कन्हैया ने उस धनुष का खंडन किया और जाकर अपनी बाटका में ठहर गया। दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन जब मल्ल पहलवान गर्जना कर रहे हैं और कन्हैया वहां पहुंचे, पहले तो जो हाथी बंधा हुआ था, जो जरासंध ने दहेज में दिया था कंस को हाथी कुबलिया पीड़, उस हाथी को मारा, कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, महापति को मारा और 20-20 धनुष तक घसीट घसीट करके मारा। दो दरबारी लथपथ खून से आए, उस हाथी का दांत लिए हुए कन्हैया भी रंगभूमि में प्रवेश कर गए। और जब रंगभूमि में जब प्रवेश किए, सबने भगवान कन्हैया को देखा। कैसे देखा? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। जिसकी जो इच्छा थी, जिसका जो भाव था, उसी भाव से कन्हैया ने दर्शन दिए। अगर कोई पहलवान है तो उसे पहलवान दिख रहे, अगर कोई माता है तो उसे लड़के के समान दिख रहे, अगर कोई ग्वालवाल है तो मित्र की तरह दिख रहे। ए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जैसी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। अब यहाँ कंस ने जब देखा उन ग्वाल वालों से, अरे गोकुल के ग्वाल, तूने इतना अपराध किया है राज अतिथि होकर। उत्तर में कन्हैया बोले, अरे राजा, क्या तुम्हारे यहाँ यही होता है कि किसी को बुला लो फिर दरवाजे पे हाथी बांध दो? प्राण लेकर भी हाथी पीछे हटने वाला नहीं था। और जब कन्हैया मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचकर कन्हैया के बाल, कन्हैया ने बाल पकड़ लिए कंस के, और जब कंस के बाल पकड़े और बाल पकड़ के जब पृथ्वी पर पटक रहे, जैसे बाल पकड़े तो कंस ने कहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डर लग, छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले, आज समझ में आया कि बाल पकड़ने से दर्द होता है? जाके पग ना फटी बीमारी सुबह का जाने पीर पराई। आज तुम्हें पता चल गया कि बाल पकड़ने से दर्द होता है। ध्यान करो, तुमने हमारी माता देवकी की क्या स्थिति बनाई थी। आज उन्हीं देवकी के बालों का बदला लेने के लिए, मामा मैं ग्वाल नहीं हूं, मैं तुम्हारा भांजा हूं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना कहकर जब पृथ्वी पर घसीट के पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ गए और तीनों लोगों का भार लेकर चढ़ गए। आज कंस को पता चल गया कि जिसकी उम्र केवल 11 वर्ष की हो और उसका भार इतना कि तीनों लोगों का भार। कंस ने कहा, कुछ भी हो महाराज, लेकिन आज हम बड़े भाग्यवान इसलिए भाग्यवान है कि आज मुझे मुक्ति देने वाला मेरे घर पर मेहमान बन के आया। मुक्ति ढूंढने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, क्योंकि भगवान जब मारते हैं तो मुक्त करते हैं और जब तारते हैं तो भी मुक्त करते हैं। उनका मारना भी मुक्ति है और तारना भी मुक्ति है, बोले वृंदावन बिहारी जय हो। आज इतना कहकर तीन हिचकियों में कंस का प्राणांत हो गया, तीन हिचकियों में कंस का प्राणांत हो गया। और जब कंस का प्राणांत हुआ, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भाई क्या है ना, जब दुख ही दुख की घटना जब छट जाती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अब देखे कन्हैया का चमत्कार, देखें आप, मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पलना चूली, वृंदावन में लीला की, और जब कंस को मारना था तो कहां आ गए? मथुरा। यहां से चले ऐसे चक्कर लगा के फिर वहीं आ गए। इसीलिए कहा है,
कि नंदलाल आया कंस का काल आया, कंस का काल आया, नंदलाल आया कंस का काल आया। मथुरा से गोकुल में, गोकुल से मथुरा में वो नंदलाल आया कंस का काल आया, नंदलाल आया कंस का काल आया। जय हो। आनंद मगन आनंद भय, आनंद मगन आनंद भय, सब पूरन परमानंद भय, सब पूरन परमानंद भय, सब पूरन परमानंद भय। तिहुलोकन में उत्साह बढ़ा, तिहुलोकन में उत्साह बढ़ा, श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद हुए, श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद हुए, श्री कृष्ण चंद्र ब्रज चंद हुए। इसीलिए तो कह दिया, इसीलिए कहा है गोपिन में ग्वालन में गौवन में, गोपिन में ग्वालन में गौवन में वो प्रतिपाल आया कंस का काल आया, नंदलाल आया कंस का काल आया। जय हो। सब देवन को आनंद भय, सब देवन को आनंद भय, सुर सिद्ध मुनि आनंद भय, सुर सिद्ध मुनि आनंद भय, सुर सिद्ध मुनि आनंद भय। ब्रज मंडल मंगल साज सजे, ब्रज मंडल मंगल साज सजे, क्यों आए कन्हैया गौ रक्षक हित गोविंद हुए, गौ रक्षक हित गोविंद हुए, गौ रक्षक हित गोविंद हुए। आज क्या हो गया है सुरपुर से धरती पर, जय हो। सुरपुर से धरती पर ए धरती पर अधरती पर वो अंतराल आया कंस का काल आया,
प्रेम से बोली राघव सरकार की जय हो। यहां बंधु कंस के मरणोपरांत मथुरा में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई, हर्ष हो रहा है। लेकिन कंस की जो दो रानियां हैं अस्थि और प्राप्ति, इन दोनों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि कंस मरा तो जो दोनों विधवा हो गई। अस्थि और प्राप्ति भागवत में लिखा है, अस्थि प्राप्त कंसो भरतर सभा मृते भरथरी दुखारते यतु इसमें प्रति ग्रह। कंस रूपी जो अभिमान है, अभिमान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि, दूसरी का नाम है प्राप्ति। और अस्थि प्राप्ति दोनों ये जरासंध की बेटियां हैं, जरासंध की बेटियां हैं। जब दोनों ने सोचा कि अब पति के मरने के साथ ही सारी शान शौकत तो सब चली गई, पति के मरने के बाद विधवापन मिल गया, क्यों को पतराखन हार पति बिन को पतरा पति बिन को पतराखन हार पति बिन को पतराखन हार। पति बिन को पतराखन पति बिन को पतराखन हार पति बिन को पतराखन हार। सोच रहे कि बहन हम यहां मथुरा में रहकर क्या करेंगे, इससे अच्छा तो अपने पिताजी के यहां चलो। और जब दोनों बहनें रथ पर सवार होकर जरासंध के पास पहुंच गईं, जरासंध को सब हाल बताया, तो जरासंध ने 23 अक्षरोहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी, और एक बार नहीं 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। लेकिन भगवान कृष्ण सेना को मार देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। इसी तरह जब 17 बार चढ़ाई हुई तो 18वीं बार कालियावन आ गया। कालियावन को कन्हैया ने मुचकुंद के द्वारा मरवाया, एक हाथ का दोनों में अंतर है, और कालियावन सोच रहा है पकड़े लेते, लेकिन मुचकुंद गुफा में कन्हैया मुचकुंद राजा को पीतांबर उड़ा के आगे निकल गए। कालियावन ने मुचकुंद को झटका मारा, मुचकुंद की आंख से आंख मिलते ही कालियावन वहीं ढेर हो गए। उसके मरणोपरांत बलदाव का विवाह हुआ। जब जरासंध ने एक पहाड़ में आग लगा दी तो कन्हैया गुप्त मार्ग से वहीं से विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और गुप्त मार्ग से द्वारका पहुंच गए। द्वारका का निर्माण हो गया, 12 योजन का नगर है, समुद्र में है। गुप्त मार्ग से द्वारका पहुंच गए और द्वारका में रेवती के साथ बलदाव का विवाह हुआ। रेवती के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई द्वारका में। अब कन्हैया ने सोचा बलदाव का तो विवाह हो गया, हमारा भी तो होना चाहिए। जब बलदाव का विवाह हो गया, अब कन्हैया का नंबर है। राजसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्ने का चबरा। कुंडनपुर के राजा भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, एक उनकी पुत्री नहीं थी, बड़ी तपस्या की,
तो एक दिन समुद्र के किनारे एक पुत्री कमल के पुष्प के ऊपर इन्हें मिल गई, क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। ध्यान रखना, लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। जब यही लक्ष्मी प्रादुर्भूत हुई थी तो समुद्र से निकली थी, और जब यही लक्ष्मी सीता बनी तो पृथ्वी से निकली थी, और जब यही लक्ष्मी रुक्मणी बनी तो कमल के पुष्प से प्रकट हुई। क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप किसी के गर्भ में वास नहीं करता। उस पुत्री को उठा लाए, हमारे यहां 5 बेटे हैं, अब एक पुत्री दे दी भगवान ने, और वो पुत्री को बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन उस गांव में कुछ भजन कीर्तन करने वाले लोग आए, साधु संन्यासी आए और बैठकर गा रहे थे, और उनने एक ऐसा गीत गाया, मनोहारी गीत भगवान कृष्ण का, कि उस गीत को जब रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी ने कन्हैया को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है जय हो अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अरे सौभाग्य है जिन्हें हो, जय हो सौभाग्य है जिन्हें हो, दीदार कन्हैया का सौभाग्य है जिन्हें हो, दीदार कन्हैया का, जय हो। द्वारकानाथ की जय हो। प्रभु ने हम सबकी वेदनाएं, कर दी है दूर प्रभु ने हम सबकी वेदनाएं, अब संसार क्यों न माने, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का, ब्रज भूमि यहाँ
जब रुक्मणी ने कन्हैया को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, और यहाँ कभी कभी क्या होता है ना, घर में अगर कभी बड़ा लड़का हो और उपद्रवी हो तो वो कभी कभी पिताजी की बात नहीं मानता। राजा भीष्मक का पुत्र है रुक्मी, रुक्मी ने कहा पिताजी मैंने अपनी बहन का वचन दे दिया है शिशुपाल के लिए, और स्वयंवर होगा, स्वयंवर में कई राजा आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से कह देना कि शिशुपाल के गले में माला डाल दे, स्वयंवर केवल दिखाने के लिए होगा, हमने शिशुपाल को वचन दे दिया है। अब रुक्मणी को जब पता चला कि हमारे लिए शिशुपाल बनने आएगा, रुक्मणी ने सोचा कि मैं अपनी चाहे जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, लेकिन एक सिंघनी का ग्राहक बन के अगर गधा आएगा तो क्या मैं उससे विवाह कर लूंगी। रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा भाभी मैंने तो कन्हैया को पति माना है, भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी ने कहा मन को हल्का मत कर, एक पत्र लिख दो और द्वारकानाथ को बुला लो, भाई स्वयंवर में तो कोई भी आ सकता है। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, वो इतना सुंदर पत्र लिखा कि हे कन्हैया मैंने आपके गुणों को केवल सुना है, मैंने देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जिसने पत्र लिख दिया, तो मैं आप कुंडनपुर आए और मुझे लेके जाएं, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी जब कात्यायनी मैया का पूजन करने गई, कात्यायनी मैया का जब पूजन करने गई उस समय 10,000 सैनिक रुक्मणी के साथ में है, रुक्मणी के साथ में है 10,000 सैनिक, लेकिन उन सैनिकों के बीच से कन्हैया चले गए, कन्हैया घुसते चले गए, और वो सभी सैनिक देख रहे हैं, कोई सुंदरता देख रहे हैं, कोई कुछ देख रहे हैं, लेकिन कन्हैया चले गए और वहां रुक्मणी के पास पहुंच गए, कात्यायनी मैया की मूर्ति के पास। रुक्मणी ने कन्हैया को माला पहना दी और वहां से कन्हैया लेकर के रुक्मणी को बाहर, अभी नहीं बाहर लेके आए, उन सैनिकों के बीच से चले आ रहे हैं, और रुक्मणी को जब रथ में बिठा के ले गए, रुक्मी ने पीछा किया। इतने में बलदाऊ भी वहां पर आ गए, कन्हैया ने रुक्मी की दाढ़ी मूछ मुड़वा करके रथ के पहिए से बंधवा दी। रुक्मणी ने कहा महाराज मैं अपने विवाह का पहला वरदान आपसे मांगती हूं, ये मेरा भैया है, अगर इसको कुछ हो गया तो सारा कलंक मेरे सिर पर आएगा, इसलिए महाराज मैं इसको छोड़ दूं, मेरा भाई है। और बलदाव ने छोड़वाया, कन्हैया क्या कर रहे हो, अगर इस तरह का काम करोगे तो रिश्तेदारी आगे कैसे चलेगी। और जब छोड़वा दिया, यहां सैनिक सब राजा भीष्मक को पता चला, जब भीष्मक आए, भीष्मक ने रुक्मी को समझाया कि बेटा तुम्हें पता है हमारे घर नारद जी आए थे, नारद जी ने कहा था कि ये लड़की नहीं ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी से होता नहीं, अपने मन की मलिनता को दूर करो और यह विवाह मुझे करने दो, मुझे कन्यादान लेने दो। और जब विवाह संपन्न होने जा रहा है रुक्मणी जी का, बोले रुक्मणी महारानी की जय हो, द्वारका नाथ भगवान की जय हो। आज जब रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो रही है, क्यों कह रही है रुक्मणी, आओ मेरी सखिय मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अब उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कब हो न छूटे। सोच रहे हैं अटल सुहाग की बिंदी लगा दो, अटल सुहाग की बिंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूनर जो कब हो न टूटे, ऐसा धागा जो कब हो न टूटे, ऐसा धागा जो कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सोच रही है रुक्मणी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी से, दूसरा हुआ जामवंती से, तीसरा हुआ सत्यभामा से, चौथा हुआ कालिंदी से, पांचवा हुआ मित्र वृंदा से, छठवां हुआ नग्न जिति से, सातवां हुआ भद्रा से और आठवां हुआ लक्ष्मणा से। आठ विवाह कन्हैया के ऐसे हुए हैं। और एक राक्षस था नरकासुर, जिसे भौमासुर कहते हैं, उसने बंदी गृह में 16,100 कन्याओं को बंद कर लिया था और सोचा था कि जब 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह करूंगा इन सबके। लेकिन कन्हैया को पता चला, कन्हैया ने उन अबलाओं को मुक्त कराया, उस भौमासुर का वध किया। अब सभी कन्हैया के चरण पकड़ लिए, कन्हैया आप अपने चरणों का आश्रय दो, हम इन्हें चाहते कई लड़कियां, क्योंकि नरकासुर इनका हरण करके लाया था, अब जी अपने माता पिता के यहाँ जाएंगे तो वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कन्हैया जी किसी गलत रास्ते पर ना चले जाए, आप अपने चरणों में स्वीकार करो। तो 16,100 कन्याएं वो और आठ विवाह कन्हैया के ऐसे हुए, इसलिए 16,108 इनकी पटरानी हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ रुक्मणी का विवाह संपन्न होने जा रहा है, यहाँ गढ़ी के दरवाजे में आप सभी देख रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधर्षिवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखेदिश्वा मरुतः वृष्णिमातिरः, शुभं जावानो विदधे कोजगमायाः, द्योः शान्तिरन्तरिक्षद्वत् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्ति विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः इतने लिपटे हैं तो दो चार लिपट और सही, और इतने बैठे हो तो दो चार मिनट और सही, थोड़ी बैठ लो आप। बाकी बिहारी सरकार के यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है और आज की कथा आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की, कल की कथा, कल कथा की शांति भी होना है और कल कथा में आप श्रवण करेंगे सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र की कथा आप श्रवण करेंगे। आप सभी अपने घर से सुदामा चरित्र की भेंट में, घर घर से चावलों की भेंट अपन आप अवश्य लाएं, ताकि सुदामा जी के चावलों का भोग लग सके, कन्हैया जी का भोग लग सके, उनकी सुदामा की भेंट में चावल आप घर से लाएं। हेलो, हमारे दाऊ साहब श्री अमरेंद्र सिंह जुदेव और इधर रुक्मणी और कन्हैया के चरण पखार रहे हैं। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वजा,
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायेश तनो हरि ओम बराय नमः भरत चरण कमलेभ्यो नमः कन्यकाय नमः कन्यकाय चरण कमलेभ्यो नमो नमः चरण पकड़वाओ गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यवष्टाङ्ग्रहिष्णे एष्णे सर्वभूतानां तामोपहवे श्रियम् और भी जिनको भगवान के चरण पखारना है आप सभी जिनको भी पखारना है वो प्रेम सहित पखार सकते हैं। भी भगवान के चरण पखारना चाहे यहाँ मंच पे आके भगवान के चरण पखार के आशीर्वाद ले भगवान का आशीर्वाद ले लें। क्यों रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी दुल्हन बनी आज कृष्ण कन्हैया जी दूल्हा बने आज कृष्ण कन्हैया जी दूल्हा बने आज कृष्ण कन्हैया जी दूल्हा बने रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी दुल्हन बनी आज नांग के नथैया जी दूल्हा आज नांग के नथैया जी दूल्हा बने आज नांग के नथैया जी दूल्हा बने दूल्हा सरकार की जय हो। रुक्मणी दुल्हन बनी 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 आज गोवर्धन उठैया जी दूल्हा आज गोवर्धन उठैया जी दूल्हा बने आज गोवर्धन उठैया जी दूल्हा बने आज दूल्हा बने आज दूल्हा आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती उतारू हे गिरधर तेरी आरती उतारू आरती उतारू ओ आरती उतारू तन मन बारू आरती उतारू तन मन बारू के बिहारी तेरी आरती उतारू पा के बिहारी तेरी आरती
आरती उतारो। तेरे सीख पे सो है और मुकुट तेरे सीख पे सो है। ए प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बने आरी में जाओ, गिरधर तेरी आरती उतारूं। जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊ, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए जय हो। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। ए सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों की मैं बलि बलि जाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संकार सारम भुजगेन्द्र हारम सदाभुषंतम हृदयारविंदे भव भवानी पेतम नमाग। मंदारु माला कुल काल काये, कपाल माला चित शिखराय, दिगंबराय जदगंबराय, नमस्ते वाय नमस्ते वाय। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो मंजूष सका तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण